बार क्षेत्र के रामनगर का है, जहां आज सुबह 10 बजे प्लास्टिक का सामान बनने वाले गोदाम में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आज भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगभग 1 घंटे तक जलती रही आग, जिसमें लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। थाना लाइनपाल क्षेत्र के रामनगर का यह नज़ारा है, जहां आज लगभग 10 बजे प्लास्टिक का सामान बनाने वाले गोदाम में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। फिरोजाबाद के लाइनपाल और रामनगर इलाके की ये घटना है, जहां आज आग की खबर के बाद हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कोई भी पास में जाने से हिचकिचा रहा था। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और फैक्ट्री स्वामी की माने तो लाखों की नकदी का इसमें नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। फिरोजाबाद में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आज भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगभग 1 घंटे तक जलती रही आग, जिसमें लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। थाना लाइनपाल क्षेत्र के रामनगर का यह नज़ारा है, जहां आज लगभग 10 बजे प्लास्टिक का सामान बनाने वाले गोदाम में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। फिरोजाबाद के लाइनपाल और रामनगर इलाके की ये घटना है, जहां आज आग की खबर के बाद हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कोई भी पास में जाने से हिचकिचा रहा था। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और फैक्ट्री स्वामी की माने तो लाखों की नकदी का इसमें नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। सर, जो एक गोदाम में आग लगी है, किस चीज़ की? प्लास्टिक को लेकर काम था इसमें। इसमें आग लगाई गई है, जो पहले आज से 6 महीना पहले लगाई गई थी, फिर आज लगाई गई आग। तो हमारे बहनों की गोदाम है ये। लगभग कितने बजे की, कितने बजे? 9 बजे लमसम 9 बजे लगभग घटना है। आग लगी थी और 12:15 बजे लगभग दमकल आई थी। 11:30 बजे दमकल आई, वो चली गई, उसमें पानी नहीं चला। उसके बाद 12:15 बजे करीब दमकल आई 2, जब हमने आग पकड़ी। आग बुझी है और अभी उनमें भी पानी खत्म हो गया, वो भी चली गई। अभी तीसरी या चौथी आई है। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगभग 2.25 लाख रुपये नुकसान हुआ, 1,80,000 रुपये। आपको राजन सिंह है? जी हाँ। आग लगी है, कैसे आग लगी है? ऐसे आग लगने का कोई कारण नहीं पता चला किस तरह से आग लगी है, लेकिन ये है कि दमकल आई, आग दमकल काम नहीं कर पाई, मतलब बाल खराब हो गया। और क्या दूसरी आई तब उस आग पर काबू पाया। पर ही आग लगी है? ये आग कहा कहते हैं रामनगर गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड आई थी क्या? वो खराब थी फायर ब्रिगेड, इन्होंने चेक नहीं किया, ऐसे उठा के चले आए। अगर वो फायर ब्रिगेड सही होती तो आग भुग जाती, इतना नुकसान नहीं होता मेरा। जब भुग जाती आग सही भुग जाती, यहाँ आए फिर आध घंटे बाद तब दमकल एक आई है, फिर उसका वो छोटी आधी खाली ले आए हैं। उसके बाद फिर वो खाली हो, फिर उसे ले गए वो। फिर सोचो तीसरी फायर ब्रिगेड है, तीसरी फायर ब्रिगेड में आग अभी नहीं बुझ पाई है, इतनी लापरवाही इन लोगों की। चौथी आई है, चौथी आई फायर ब्रिगेड है, इनकी इतनी लापरवाही है। दो साइयान में थोड़ा पानी निकला।